अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम, मज़मून इस्लामियात की क्लास में खुश आमदीद। तारीख है 28 जनवरी 2021। जुमायत का काम है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मारूजी मश्क। पहला सवाल है, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम था जैद, अब्दुलरहमान, यूसुफ या अयूब। सही जवाब है जीम, यूसुफ। नूरुद्दीन जंगी हुक्मरान था सऊदी अरब का, शाम का, यमन का या कवैत का। सही जवाब है हमारे पास शाम का। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया 1187 ईस्वी में, 1188 ईस्वी में, 1189 ईस्वी में, 1190 ईस्वी में। सही जवाब है हमारे पास अलिफ 1187 ईस्वी में। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उम्र पाई 52 बरस, 53 बरस, 54 बरस या 55 बरस। सही जवाब है हमारे पास दाल 55 बरस। अगला है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे मिस्र में, मौसल में, बगदाद में या दिमश्क में। सही जवाब है दार दिमश्क में। मुख्तसर सवालात हैं, मंतरज ज़ेल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी में कैसे फौज में कैसे शामिल हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए नूरुद्दीन की फौज में शामिल हो गए। दूसरा सवाल है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस पर हमला कैसे किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराना चाहते थे, इसलिए 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया। तीसरा सवाल है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रियाया की खबरगिरी कैसे करते थे। जवाब है, हुकूमत की सारी आमदनी लोगों की फलाह व बहबूद के कामों में खर्च होती थी, रियाया की खबरगिरी करते हुए मसाइल के हल के लिए खुली कचाई लगाते थे। सवाल नंबर चार है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वफात कब हुई। सलाहुद्दीन अयूबी 1193 ईस्वी में 55 बरस की उम्र में इस दारे फानी से कूच कर गए थे। सवाल नंबर पाँच है, मोरख लेन पोल ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में क्या कहा। एक मोरख लेन पोल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अजंत बयान करते हुए लिखता है कि इस दौरान में एक वाकया भी ऐसा पेश नहीं आया था जिसमें किसी ईसाई पर ज्यादती की गई हो। घर का काम है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की के मारूसी मश्क और मुख्तसर सवालात के जवाब याद करें। यह आपका घर का काम है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर